हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ पार्ट टू ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। पार्ट टू में मैं इससे पहले पार्ट वन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और किस टाइप से उसको सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ थोड़े से बड़े क्वेश्चन मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स को थोड़े से भारी लगते हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री एंड देन सीरीज सॉल्यूशन, देन हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट, ये सब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल है, फूरियर सीरीज है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एसएम डॉट, कर्वेचर, कर्व ट्रेसिंग, ये सभी वीडियोस यहां अपलोडेड है, जैकोबियन है। सो आप प्लीज यहां पे आईटी पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आपका मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और लाइक जरूर करें सो देट कि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आऊं। सो स्टूडेंट देखिए यहां पे आपको क्वेश्चन दे रखा है dx / dt + 4x + 3y = t और dy / dt + 2x + 5y = e की पावर t। सो देखिए आप किस तरह से सॉल्व करेंगे यहां पे, है ना। ये देखिए आप इसको मैं dx लिख सकता हूं + 4x 3y = t, देन ये आएगा आपके पास dy + 2x + 5y = e की पावर t। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूं d4y x प्लस 3y इज इक्वल टू टी और यहाँ पे आएगा 2x प्लस डी प्लस 5 इंटू वाई ई की पावर टी। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट यहाँ पे क्रेमर रूल वाले कंसेप्ट आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे डेल बना लीजिए, डेल क्या होगा ये डी प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 डी प्लस 5, है ना। डेल x क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी जगह x ये वाली टर्म आ जाएगी t की पावर t, ये दोनों टर्म यहाँ आ जाएगी, देन ये आएगा 3 डी प्लस 5 और ये आएगा डेल वाई, देन यहाँ पे आएगा आपके पास डी प्लस 4 और 2 एज इट इज रहेगा और इसकी जगह आ जाएगा आपके पास सॉरी ये वाई है ना, तो ठीक है ये आ जाएगा डी प्लस 4 इंटू 2 और टी की पावर टी यहाँ आ जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं यहाँ हमारे पास जो एक सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, डेल इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, है ना। तो डेल डेल ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास d प्लस 4 इंटू डी प्लस 5 माइनस 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, डेल एक्स दिस इंटू दिस, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे d इंटू 5 टी माइनस 3 की पावर t, क्लियर है ये t, है ना। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा आपके पास d स्क्वायर प्लस 90 और 20, 20 में से 6 किया तो कितना बचा स्टूडेंट यहाँ पे 14 इंटू एक्स। अब ये टी है, टी का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट यहाँ टी से मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टी कितना होगा 1 और ये आएगा आपके पास 5t माइनस 3 की पावर टी, क्लियर है। सबसे पहले इसका सी एफ निकालेंगे तो एम स्क्वायर 9m प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगा एम स्क्वायर प्लस 7m प्लस 2m प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो यह आएगा एम प्लस 7 इंटू एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा m की वैल्यू माइनस 2 माइनस 7, तो इसका जो सी एफ आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा x इज इक्वल मतलब सी एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी वन ई की पावर 2t माइनस का प्लस सी टू ई की पावर माइनस 7t। नाउ इसका पी आई निकालेंगे तो पी आई क्या होगा स्टूडेंट, इसको डिनोमिनेटर मिलेंगे हम तो ये आएगा, मैं पी आई ले रहा हूँ तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन लेंगे या तो कितना आएगा, या चलो 1 प्लस 5 टी एक साथ ले लीजिए बेटर रहेगा, है ना। डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा डी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 14 एंड यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है लाइक माइनस 3 की पावर टी अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 14, राइट। अब आप क्या करें यहाँ पे 14 को कॉमन ले लें, है ना। ये अगर आपको सी एफ पी आई में दिक्कत है तो आप प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस आप देख लें सो देट कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। सो यहाँ पे 14 को कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर 9 अपॉन 14 इंटू 1 प्लस 5t आ जाएगा और स्टूडेंट यहाँ पे इसका पी आई क्या होता है, जहाँ डी है वहाँ की तरह रख देंगे, यहाँ पे e की पावर t है तो 1 रख देंगे, 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 9 प्लस 14। नाउ ये इनवर्स है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 1 बाय 14 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 14 1 प्लस 5t माइनस 3 अपॉन 24 हो जाएगा ये। नाउ इसको आप अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू 1 बाय 14 ये अंदर आएगा तो ये आएगा 1 प्लस 5t। अब इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट और ये आएगा माइनस का 9 बाय 14, है ना। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा ये 5 बचेगा, माइनस का
3/24. नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आप इतना ही रख दीजिए, देन x इज इक्वल टू आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ए प्लस पी आई, है ना, ये सी एफ दे रखा है और ये पी आई, दोनों को ऐड करेंगे आपका आंसर आएगा. नेक्स्ट हमें y की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, तो y की वैल्यू के लिए क्या आंसर आता है, डेल इंटू वाई इज इक्वल टू डेल वाई, राइट. सो डेल इंटू वाई, ये डेल है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो डेल दिस इंटू दिस, है ना, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आएगा आपके पास डी प्लस फोर इंटू डी प्लस फाइव, है ना, माइनस ये कितना आएगा, थ्री टू जो सिक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डेल वाई, डेल वाई ये रहेगा दिस इंटू दिस, तो ये आएगा आपके पास डी प्लस फोर इंटू ई की पावर टी, है ना, माइनस टू टी, है ना. नाउ क्या आएगा स्टूडेंट, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर प्लस का 90, है ना, माइनस का प्लस का 14 आएगा इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर टी, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर टी होता है, और ये 4 ई की पावर टी, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 5 ई की पावर टी माइनस 2 टी, क्लियर है, ये माइनस 2 टी आएगा, है ना. नाउ इसका सी एफ, तो वही सेम टू सेम आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा इसका सी एफ, सी वन ई की पावर 2 टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस 70, क्योंकि ये वैल्यू और ये इक्वेशन दोनों क्या है, सेम है, तो सी एफ तो सेम ही आएगा. नाउ पी आई चेक करते हैं स्टूडेंट, तो ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 5 ई की पावर टी डी स्क्वायर प्लस 90 प्लस 14 माइनस 2 टी, ये आएगा डी स्क्वायर प्लस 90 प्लस 14 स्टूडेंट, जहाँ पे डी हम 1 रख देंगे तो ये आएगा वाई इज इक्वल टू 5 बाय 9 और 1 10 24 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 14 कॉमन आएगा स्टूडेंट, तो ये आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 90 अपॉन 14 ऊपर जाके इनवर्स इंटू 2 टी, नाउ ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, देन y इज इक्वल टू 5 बाय 24 माइनस 1 बाय 14 देन 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 90 अपॉन 14 इंटू 2 टी हो जाएगा. पर स्टूडेंट जैसे इस 2 टी का डिफरेंशिएशन डी हुए तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y अपॉन y इज इक्वल टू 24 माइनस 1 बाय 14, ये यहाँ 2t हो जाएगा, और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 होगा, दैट इज माइनस का 9 बाय 7, है ना, देन फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई. तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट. लास्ट क्वेश्चन लूंगा, इसके बाद टॉपिक को हम फिनिश करेंगे. सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन का एग्जांपल, इसको लिखेंगे हम dx dy माइनस 2y इज इक्वल टू 2 cos t माइनस 7 sin t, है ना. तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं लाइक डी एक्स प्लस डी माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 कॉस टी माइनस 7 सी टी. इसी टाइप से इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये x और ये x यहाँ आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम डी प्लस 2 इंटू एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू 4 कॉस टी माइनस 3 साइन टी. मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्रेमर वाला कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, है ना, ये एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होता, तो डेल कैसे आएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते माइनस दिस इंटू दिस, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का डी स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आएगा डी प्लस टू इंटू डी माइनस टू, राइट, इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स. डेल एक्स कैसे आता है, ये दोनों उठा के यहाँ रखते हैं, लाइक ये ना, ये दोनों उठा के कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो दिस इंटू लाइक डी हो जाएगा ना, तो ये आएगा माइनस डी इंटू टू कॉस टी माइनस 7 साइन टी, है ना, इंटू डी माइनस 2 इंटू दिस, तो ये आएगा माइनस का डी माइनस 2 इंटू ये आएगा 4 कॉस टी माइनस 3 साइन टी, क्लियर है. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, देखो माइनस यहाँ से कॉमन निकल के सबको कैंसिल कर रहा है, तो ये आएगा डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ये आएगा डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, माइनस तो हट गया, और स्टूडेंट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस होता है माइनस का 2 साइन टी, देन यहाँ पे माइनस का 7, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है कॉस टी, नाउ ये माइनस तो बाहर हट गया, देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज माइनस का 4 साइन टी, देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज माइनस का 3 कॉस टी, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 कॉस टी माइनस माइनस प्लस 6 साइन टी आएगा, राइट. तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी 2 डी स्क्वायर माइनस, तो 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो ये आएगा डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स. अब देखिए माइनस का 2 साइन टी माइनस का 4 साइन टी, तो ये 6 साइन टी को कैंसिल कर देगा, और यहाँ 7 और 3 10, तो ये आएगा माइनस का 18 कॉस टी, और ये 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस का 9 कॉस टी. नाउ इसका सी एफ निकालेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 2, देन एम इज इक्वल टू आपके पास आएगा प्लस माइनस रूट 2, तो इसका जो सी एफ आएगा स्टूडेंट वो आएगा आपके पास
C1 e की पावर रूट टू टी प्लस C2 e की पावर माइनस रूट टू टी, देन पी आई आएगा x इज इक्वल टू, ये सीधा डिनोमिनेटर में जाएगा तो माइनस का 9 cos t अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2, जहाँ डी स्क्वायर में माइनस 1 रखेंगे तो ये आएगा माइनस का cos t अपॉन माइनस 1 माइनस 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 cos t. तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, दैट इज सी वन ई की पावर रूट टू प्लस सी टू ई की पावर माइनस रूट टू टी प्लस 3 cos t. राइट, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे. तो y की वैल्यू में हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, डेल इंटू y इज इक्वल टू डेल y, है ना. तो डेल इंटू y, राइट, है ना. हम क्या करेंगे, वही सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस इंटू दिस. तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, देखो माइनस का d प्लस 2 इंटू डी माइनस 2 इंटू y. अब यहाँ पे ये दोनों, इन दोनों की जगह ये आ जाएगा तो क्या आएगा, देखो दिस इंटू दिस, तो ये आएगा आपके पास वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ 4 cos t माइनस 3 sin t, है ना. नाउ ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 डिफरेंशिएशन ऑफ d प्लस 2 इंटू आपके पास वैल्यू आएगी 2 cos t माइनस का 7 sin t, राइट. तो हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह से इसकी वैल्यू आएगी. देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस, तो पहली बात तो माइनस को कॉमन निकाल दीजिए, ये आएगी माइनस का कॉमन और यहाँ डी स्क्वायर है, सो डी स्क्वायर और ये आपका माइनस कॉमन आ गया, तो डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू y, और यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए आपको, तो माइनस का 4 sin t, है ना, माइनस का 3 cos t माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cos का होगा माइनस का sin t, तो माइनस माइनस प्लस 2 sin t, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका होगा माइनस माइनस प्लस 7 cos t, है ना, देन माइनस का 4 cos t, देन माइनस माइनस प्लस 14 sin t. क्लियर. नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, ये आएगा आपके पास 2 तो कॉमन आ गया, डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू y. देखिए आप क्या आपके पास कॉमन आ रहा है वैल्यू 7 cos t और ये 3 7 से ये कैंसिल हो गया, देन आपके पास आ रहा है ये 14 और 2 16, 16 में से 4 गया तो कितना बचा है यहाँ पे 12, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12 sin t बचेगा, है ना. सो आपके पास ये वैल्यू आएगी 12 sin t, कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ आएगा आपके पास डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इज इक्वल टू माइनस का 6 sin t, है ना. नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा जो सी एफ आएगा, सी एफ तो वही सेम टू सेम आएगा, एम स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2. क्लियर. देन इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा सी वन कॉस आई मीन e की पावर रूट 2 टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस रूट 2 टी, है ना. और इसका जो पी आई आएगा वो आएगा वाई इज इक्वल टू माइनस का 6 sin t डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 2, जहाँ डी स्क्वायर और माइनस 1 रखेंगे तो माइनस का 3, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2 sin t. देन आंसर आएगा वाई इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, दैट इज वाई इज इक्वल टू सी वन ई की पावर रूट 2 टी सी टू ई की पावर माइनस रूट 2 टी प्लस 2 sin t. ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा. तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आपके एग्जाम में बिल्कुल हेल्प मिल रही होगी, और आगे और भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आने वाला हूं, और बने रहिए मेरे साथ. और इसके बाद जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो आपके इंजीनियरिंग और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और जो स्टूडेंट आईआईटी जेएम की तैयारी कर रहे हैं या सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स के साथ, वो भी स्टेट्स का बहुत सारा पोर्शन उनके लिए हेल्पफुल होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, बार बार बोलता रहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़रूरत है हमारी, है ना. थैंक यू सो मच.